विवाहित स्त्री को अपने पुरुष के अलावा पर पुरुष का चिंतन भी नहीं करना चाहिए, वरना नरक की गामनी होती है, ये भगवान ने कहा गोपियों से। और भगवान ने एक बात और कही, भर्तुः शुश्रूणां स्त्रीणां परो धर्मो हमायया तद बंधूनां च कल्याणः प्रजानां चानुपोषणम्। दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्य धनो पिबा, पति गरीब हो, कमजोर हो, बूढ़ा हो, बेसहारा हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, पतिव्रता स्त्रियों के लिए पति ही परमेश्वर है। और जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन करती है, ऐसी स्त्री नरक की गामनी होती है। गोपियां बोली जय हो, जब से आए प्रवचन ही सुना रहे। भगवान फिर बोले, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानामयी भावोनुकीर्तनात् ना तथा सन्निकर्षेणा प्रतियात् ततो ग्रहाना। भागवत के दसम स्कंद के 29वें अध्याय का 27वां श्लोक, भागवत, भगवान बोले सुनो, अगर तुम हमसे प्रेम करके आई हो तो हमसे नजदीक आने की आवश्यकता नहीं, हमारी कथा सुनो, हमारे गीत गाओ, हमारा ध्यान करो, हमारा चिंतन करो, लेकिन हमारे सन्निकट आने की आवश्यकता नहीं है, जाओ वापस लौट जाओ। गोपियां मुस्कुरा के बोली, महाराज जब से आए प्रवचन ही सुना रहे, अब हमारी भी तो सुनो। हाँ सुना महाराज, एक कथा सुनाना चाहते तुमको। भगवान बोले सुनाओ। गोपियां बोली, महाराज एक ब्राह्मणी थी, एक ब्राह्मण, ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता थी, अपने पति को छोड़कर पर पुरुष की तरफ देखती भी नहीं थी, विचार भी नहीं करती थी। अच्छा, गोपियां बोली ध्यान से सुनना, आज पहली बार ठाकुर जी श्रोता बने हैं, गोपियां वक्ता। अब गोपियां बोली सुनो महाराज, क्या हुआ, एक बार ब्राह्मण को जाना था परदेश, पत्नी से कहा कि हम तो परदेश जाएंगे, पत्नी ने कहा महाराज आप परदेश जाओगे तो हमारा क्या होगा, क्योंकि ब्राह्मणी बहुत अच्छी नियम की पक्की थी, जब तक पति को भोजन नहीं करवा देती थी तब तक खुद भोजन नहीं करती, जब तक पति को सुला नहीं देती तब तक सोती नहीं थी, यही पतिव्रत धर्म का नियम है। पहले के जमाने में हमने तो देखा है, अपनी माताजी को अभी भी देखते हैं, हमारी माताजी भोजन बनाती हैं तो पहले पिताजी के लिए, बाद में उसी थाली में पाती हैं, ये नियम है, स्त्रियों का ये नियम है, विवाहित स्त्रियों का नियम है, पति का जो शीत प्रसादी है उसमें भोजन करना चाहिए, इससे प्रेम बढ़ता है, प्रीति बढ़ती है, घर में मंगल होता। पहले के जमाने में माताएं रोटी बनाती थी तो पहली रोटी गाय को, लास्ट की रोटी कुत्ता को। अब थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया, आज की कुछ माताएं, सब नहीं, कुछ खासकर जबलपुर की नहीं, नहीं कहीं और की, आजकल की माताएं पहली रोटी खुद खा जाती, लास्ट की रोटी खसम को। कुछ सब नहीं, अब आप अर्थ समझ जाओ, खुद गौ माता बनना चाहती। बोलो सीताराम, सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, श्री सीताराम। तो ब्राह्मणी का धर्म था, बोली महाराज आप चले जाएंगे हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्या करें। हाँ एक उपाय, क्या उपाय, बढ़िया उपाय, हम अपनी मूर्ति बना देते हैं, जो तुम हमारी पूजा करती हैं वो मूर्ति की पूजा करेंगे। पति चला गया परदेश, मूर्ति की पूजा ब्राह्मणी करने लगी, एक दिन मूर्ति रूपी पति को भाव से भोजन करवा ही रही थी तब तक दरवाजा खटखटाया, कौन, मैं तुम्हारा पति, दरवाजा खोलो। अब ब्राह्मणी करवा रही थी भोजन, उसी बीच में असली पति आ गया, अब वो धर्म में पड़ गई, अगर भोजन छोड़कर जाती है तो प्रतिव्रत धर्म नष्ट होता है, नहीं जाती, दरवाजा नहीं खोलती तो
तो असली पति दरवाजे पर खड़ा है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता। गोपियां हाथ जोड़ के बोली, बताओ ठाकुर जी, अब वो ब्राह्मणी करे तो करे क्या। भगवान मुस्कुरा के बोले, बढ़िया उपाय है देवी, चित्र की पूजा तब तक करनी चाहिए जब तक चरित्र में पति ना आ जाए। जितना सेवा बची है वो असली पति की करनी चाहिए, इससे पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। गोपियां सब पैरों में गिर गईं। भगवान बोले, क्या हुआ। गोपियां बोली, महाराज हम यही तो कर रहे हैं, जो हमारे पति हैं वो नकली पति हैं, मिट्टी के पति हैं, वो मिट्टी में मिल जाएंगे। आप परम पति हैं, हम उनको त्याग कर अगर आपकी शरण में आए हैं तो हमने क्या गुनाह किया है।